तो आज हम अपने एक्वेरियम में पूरे अच्छे तरीके से इसको रेनोवेट करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता था कि मैं एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा लेके आया हूँ, और मैं आपको बता दूं कि ये मैंने किसी एक्वेरियम शॉप से नहीं लिया है, बस बगल में मेरे घर के पड़ा हुआ था तो मैंने ले लिया और मेरे को काफी अच्छा लगा। तो इसको हम लोग पहले कलर करेंगे और ये कलर वाटर प्रूफ होने वाला और पूरा काम कम्प्लीट हो चुका है, क्योंकि ये पानी में रहेगा इसके चलते इसको सड़ने का डर रहता है, इसीलिए हमने इस पर वाटर प्रूफ पेंट किया। उसके बाद अपने मछलियों को मैंने फीड करा दिया, क्योंकि अभी हम इन सारी मछलियों को निकालने वाले हैं, तो ये सारी चीजों को सेट करने में ना जाने कितना टाइम लगा। इसके चलते मैंने फीडिंग करा दिया पहले अपनी मछलियों को, उसके बाद ऊपर का ढक्कर हमने निकाल दिया और धीरे धीरे करके एक एक करके हमने अपने एक्वेरियम के सारे डेकोरेशन वाले प्लांट्स और सारी चीजों को हमने निकालना स्टार्ट कर दिया है अभी। और अभी बारी आती है सारी हमारी मछलियों की। हमारे एक्वेरियम में बहुत सारी मछलियां हो चुकी है, 30 to 35 पीसेस मछलियां है हमारे एक्वेरियम में। तो पूरी मछलियों निकालने के बाद ये ऐसा लुक आता है हमारे एक्वेरियम का। बाल्टी में पूरी मछलियों को हमने रख दिया टर्टल के साथ में, और जो टर्टल में गिव अवे करना था उसका भी रिजल्ट काफी जल्दी आने वाला, तो आप लोग वेट करो, अभी हमने इसको लगा दिया। अगले पार्ट में आपको पता चलेगा हमारे एक्वेरियम का फाइनल लुक कैसा आ रहा है।